इनामी सिलसिला 289 मालूमात अफजा दर्ज जेल 10 सवालात के जवाबात 15 जनवरी 2020 से कबल भिजवा दें। जवाब के साथ कॉपिन का आना ज़रूरी है। तमाम दुरुस्त जवाब देने वाले 15 नौनिहाल इनाम के हकदार ठहरेंगे। तादाद ज़्यादा होने की सूरत में इनाम का फ़ैसला कुरानदाजी के ज़रिए किया जाएगा। नंबर एक, मोहतरम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने 1 अगस्त 1906 को डैश में हमदर्द दवाखाना कायम किया, बम्बई, दिल्ली, आगरा। नंबर दो, हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1920 को पैदा हुए। उस रोज़ जुम्मा था और इस्लामी तारीख 17 रबीउसानी डैश हिजरी थी। 1336, 1338, 1340। नंबर तीन, जनाब हकीम अब्दुल मजीद अपने भाई हकीम मोहम्मद सईद से 10 साल बड़े थे, 11, 12, 13। नंबर चार, हकीम मोहम्मद सईद की अहलिया मोहतरमा का नाम डैश था, अजमत बेगम, हशमत बेगम, नेमत बेगम। नंबर पाँच, 14 अगस्त 1985 को कराची में हमदर्द तबिया कॉलेज का इफ्तिताह डैश ने किया था, बेगम राना लियाकत अली खान, फातमा जिना, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद ने बच्चों के लिए रिसाला हमदर्द नौनिहाल जुलाई डैश में जारी किया, 1952, 1953, 1954। नंबर सात, 17 जून 1985 की मदीनातुल हुक्मा में हमदर्द यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद डैश ने रखा था, जनरल जियाउल हक, जनाब नवाज शरीफ, जनरल हमीद गुल। नंबर आठ, हकीम मोहम्मद सईद ने गवर्नर सिंध की हैसियत से डैश यूनिवर्सिटियों की मंजूरी दी थी, 4, 5, 6। नंबर नौ, शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद को शहादत के बाद 14 अगस्त 2000 को डैश से नवाजा गया था, निशान पाकिस्तान, निशान इम्तियाज़, निशान इस्तकलाल। नंबर दस, हकीम मोहम्मद सईद के यौम पैदाइश के हवाले से पाकिस्तानी बच्चों का पहला कौमी दिन 9 जनवरी डैश को मनाया गया, 1999, 2001, 2003।